नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। उत्तराखंड में सीएम की कुर्सी संभालते ही सीएम धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और आज पीएम ग्राम सड़क योजना को लेकर हुई मीटिंग में सीएम ने अफसरों को कड़े निर्देश दिए हैं। धामी ने सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा की है और इस दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देशित किया है कि प्रदेश में सड़क और पुलों के निर्माण कार्य में किसी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। कार्यों को निर्धारित समय अवधि में पूरा करने के साथ गुणवत्ता भी इसमें विशेष रूप से ध्यान रखा जाना जरूरी है। कार्यों की गुणवत्ता में अगर कोई शिकायत आती है तो फिर संबंधित अधिकारी और एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई होगी। धामी ने मुख्य सचिव को निर्देश यह भी दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी अधिकारी और कर्मचारी ऑफिस समय पर पहुंचे और ऑफिस टाइम में पूर्ण मनोयोग के साथ काम करें। समय पर कार्यालय न आने वाले अधिकारी और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई भी की जाए। जन समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। जनता और जन प्रतिनिधियों के फोन अवश्य रिसीव करें। अगर किसी वजह से फोन रिसीव नहीं कर पाए हैं तो कॉल बैक जरूर करें। उत्तर प्रदेश के साथ साथ अब उत्तराखंड में भी बीजेपी सरकार के दोबारा सत्ता में काबिज होने के बाद अब उत्तराखंड के अंदर भी बुलडोजर चल रहा है। आज हल्द्वानी में लंबे समय से अतिक्रमण करके बैठे लोगों को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया है। इस दौरान मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार ने अतिक्रमण हटाने के दौरान स्थानीय विधायक सुमित हृदेश को कैमरे में कैद कर दिया और उन्हें कमरे में कैद कर दिया और उसके बाद उनको बाहर तक नहीं आने दिया। इसको लेकर के अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह कहना है कि जिस जगह अतिक्रमण जैसे मामले आएंगे उन जगहों से अतिक्रमण को जरूर हटाया जाएगा। तो सत्ता संभालने के बाद आप देख रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में हैं। अधिकारियों को लगातार निर्देशित उनके द्वारा किया गया है। देखिए, चार धाम यात्रा हमारी शुरू होने वाली है, इसलिए सभी सड़कें उत्तराखंड की, चाहे जो ऑल वेदर में बनी है या भारतमाला श्रृंखला में बनी है या राज्य सेक्टर की सड़कें हैं, सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हों, हमारे आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए सुविधाजनक हो, किसी प्रकार की उनको परेशानी न हो, इसके लिए हमने आज पूरे लोक निर्माण विभाग की और हमारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की अंतर्गत जो सड़कें बनी हुई हैं उन दोनों ही विभागों की समीक्षा की है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं, चाहे सड़क परियोजनाओं से जुड़े हुए मामले हों या कोई भी योजना, उसको सही समय से पूरा करना है, गुणवत्ता का ख्याल रखना है। साथ ही साथ अधिकारियों को भी यह हिदायत है कि वो समय पर अपने कार्यालय पहुंचें, जो समय पर अधिकारी नहीं आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और साथ ही साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता की समस्याओं का त्वरित जो समाधान है वो भी करना आवश्यक होगा। तो कुल मिलाकर के अब एक्शन मोड में सीएम पुष्कर सिंह धामी आपको नजर आ रहे हैं और एक और बड़ी अहम चीज आपको जो देखने को मिल रही है वो ये कि अब उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड के अंदर भी बुलडोजर आपको चलना शुरू हो गया है, ये दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हल्द्वानी के अंदर आपने देखा कि अतिक्रमण को भी हटाया गया है, बुलडोजर चला है उत्तराखंड के अंदर भी। तो कुल मिलाकर के सभी विभागों की समीक्षा मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देशित मुख्यमंत्री ने किया है और कड़े निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि समय से जो काम है वो पूरे हों, अधिकारी और कर्मचारी समय से ऑफिस पहुंचें और समयबद्ध और टाइम बाउंड जितनी भी योजनाएं हैं उनको पूरा किया जाना है, क्योंकि प्राथमिकताएं मुख्यमंत्री ने पहले ही अपनी बता दी हैं और इसमें जो भी लापरवाही करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनप्रतिनिधियों की बात को भी अवश्य अधिकारी सुने और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनके खिलाफ भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के ये स्पष्ट निर्देश हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से और अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री जिस तरह से एक्शन मोड में हैं उसके बाद आगे इसका जो असर है वो रिजल्ट के तौर पर क्या दिखता है, क्योंकि तमाम ऐसी बड़ी योजनाएं हैं जिनको अभी उत्तराखंड के अंदर पूरा किया जाना है। इसमें अहम यह भी है कि चारधाम यात्रा की भी अभी शुरुआत होनी है और उसको लेकर के भी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। इस समय आपको पता है कि ऑल वेदर जो रोड है उसका भी काम चल रहा है और कुछ जगहों पर अभी भी आपने देखा है कि जो सड़कें हैं वो पूर्णतया सही नहीं है और उसको भी तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं ताकि चारधाम यात्रा भी सुगम तरीके से हो सके। तो किसी भी स्तर पर कोई कमी ना हो, हर एक विभाग को लेकर के मुख्यमंत्री अपने स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं और उसमें सबसे जो अहम निर्देश हैं वो यही हैं कि अधिकारी अपना काम समय से करें, समय से ऑफिस पहुंचे, पूरे मनोयोग के साथ अपना काम करें
और लापरवाही किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं होगी, और जो विकास योजनाएं चल रही हैं उसमें गुणवत्ता के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। यानी कि अगर क्वालिटी उसमें कोई खराब होती है, गुणवत्ता के साथ अगर उसमें किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज होता है, तो फिर सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। ये एकदम स्पष्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कर दिया गया है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड के अंदर अब पूरी तरह से एक्शन मोड में है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लगातार अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं, लगातार विकास परियोजनाओं की वो समीक्षा कर रहे हैं। चार धाम यात्रा को लेकर के भी उन्होंने अपनी जो प्राथमिकताएं हैं वो बता दी हैं, और अब देखना ये है कि ये जो बातें मुख्यमंत्री कह रहे हैं उसका जमीन पर असर क्या होता है। और अगर फुल एक्शन मोड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, तो फिर इसका असर जो योजनाएं हैं उनके ऊपर क्या पड़ेगा, आज इसी पर चर्चा करते हैं। दो बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। कुंवर जपींद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कुंवर जपींद्र जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। और अंशुल श्रीकुंज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अंशुल श्रीकुंज जी, आपका भी स्वागत है। कुंवर जपींद्र जी, सबसे पहले आपके ही पास आऊंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, और एक बड़ा स्पष्ट निर्देश जो उन्होंने अधिकारियों को दिया है कि एक तो समय पर पहुंचे और पूरे मनोयोग के साथ काम करें, लापरवाही करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। किस तरह से देखा जाए मुख्यमंत्री के जो निर्देश हैं या जो आदेश मुख्यमंत्री दे रहे हैं? जिस भरोसे से जनता ने प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पुनः चुना है, तो वो चुनाव से पहले ही ये कहा जा रहा था कि सरकार बनने के बाद कार्य प्रणाली को दुरुस्त करने की दृष्टि से कड़े कदम भी उठाए जाएंगे, और विकास के पथ पे प्रदेश को आगे ले जाने की दृष्टि से पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम किया जाएगा। जो हो रहा है वो निश्चित तौर पर उसकी उत्तराखंड को आवश्यकता थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन ने जो वादा किया, उन वादों को जल्द से जल्द पूरा करके धरातल पे उतारना है और जनता के वोट के भरोसे को कायम रखना है। तो ये सब कार्रवाइयां चल रही हैं, और हम देखेंगे कि आने वाले समय में और भी बहुत से परिवर्तन होंगे। कार्यशैली में भी आपको बदलाव नजर आएगा, अधिकारी भी पूरी अपने कार्यप्रणाली में सुधार करते हुए काम करेंगे। पूरे रिजल्ट ओरिएंटेड काम को आगे बढ़ाने की दृष्टि से ये सब काम हो रहे हैं, और इनका लाभ प्रदेश के विकास को निश्चित तौर से मिलना है। अंशुल श्रीकुंज जी, आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री ने जो निर्देशित किया है उसका लाभ प्रदेश की जनता को मिलने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश की जनता ने भरपूर समर्थन दिया, उनकी सरकार बनाई, मेजोरिटी के साथ बनाई, लेकिन सबसे पहला काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया वो रोजगार पर हथौड़ा चलाने का काम किया, जो तीन वर्षों से पद खाली थे उसको समाप्त किया। दूसरा काम जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, चाहे वो हरिद्वार हो चाहे हल्द्वानी हो, वहां आम लोगों पर, जो गरीब लोग हैं उन पर एक सिंबॉलिक बुलडोजर चलाने का काम। बेहतर यह हो कि यदि कहीं सरकार को कोई गलत काम दिखता है, कानूनी रास्ते उसके बहुत सारे हैं, लेकिन केवल मुख्यमंत्री और सरकार की पोस्चरिंग के लिए बुलडोजर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनका एक चुनाव सिंबल बन गया था, जहां भी उसको एक सरकार की प्रणाली में इंट्रोड्यूस करने के लिए, मुख्यमंत्री के चेहरे को चमकाने के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से हल्द्वानी में आज लोकतंत्र का गला घोटते देखा, वहां के जनप्रतिनिधि, यदि जनता ने सरकार को चुना है तो हल्द्वानी में कांग्रेस के विधायक को भी चुना है, वहां यदि विधायक अपने लोगों के बीच में जाना चाह रहे हैं, उनके साथ खड़ा होना चाह रहे हैं, तो सरकार उनको हाउस अरेस्ट कर देती है। ये कौन सा लोकतंत्र का पैमाना है? क्या इस प्रदेश में अब लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, केवल एक आदमी के शासन से सरकार चलेगी? ये भी जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने हैं। जो जनादेश जनता ने दिया है उसको विनम्रता से स्वीकार करना और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाना, ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। कुंवर जपेंद्र जी, जवाब दीजिए। अतिक्रमण एक बहुत अहम मुद्दा रहा है, और कांग्रेस के साथ दुविधा ये रही है कि कांग्रेस ने अतिक्रमण के नाम की राजनीति कर ली। अतिक्रमण को आधार बना के कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक जमीन को सदा ही सींचने का काम किया है। बात तो अतिक्रमण की हो रही है ना,
अतिक्रमण करने वाला तो अतिक्रमणकारी है ना, चाहे वो फिर छोटा हो या बड़ा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अतिक्रमण रोका जाना चाहिए। अनेकों प्रदेशों में हमने देखा है कि अतिक्रमण की वजह से अगर आप अतिक्रमण नहीं रोकते हैं तो फिर उसके क्या दुष्प्रभाव राज्य पे पड़ते हैं, राज्य के संसाधनों पे पड़ते हैं और राज्य की तरक्की पर पड़ते हैं। तो अतिक्रमण रोकने की बात हो रही है और अतिक्रमण रोकना चाहिए। तो कांग्रेस को तो अतिक्रमण रोकने में सहयोग करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के राजनीति का आधार अतिक्रमण रहा है, इसलिए इन्हें अतिक्रमण और अतिक्रमणकारी प्रिय रहे। अंशुल शेखुन जी, आपको अतिक्रमण और अतिक्रमणकारी प्रिय हैं, इसलिए आप इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, हमारे बहुत ही विद्वान मित्र हैं, लेकिन बहुत जल्दी भूल जाते हैं, शायद याददाश्त कमजोर है। जब पिछली इनकी सरकार थी तो हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था, आपको भी याद होगा, कि उसके बाद देहरादून जो राजधानी है वहां कुछ इलाकों में बुलडोजर खनकने भी लगे थे, लेकिन यही सरकार थी जिसने उसको हॉल्ट किया था, जिसने उसको रोका था ये कहकर कि हम इसका विकल्प लाए। तो कहाँ है वो विकल्प? जनता ने दोबारा आपको चुना है, अब आप बिना विकल्प दिए लोगों को अपने ही बात, अपने ही स्टैंड से मुकर जाएंगे, और यदि उसका कोई विरोध करने जाएगा जिसको जनता ने चुना है, जो प्रतिनिधि है जनता का, उसको आप जनता के साथ खड़े भी नहीं होने देंगे, उसको नजरबंद करेंगे, हाउस अरेस्ट करेंगे। तो ये नजरबंदी तरीका तो तानाशाही में होता है, ये कौन से लोकतंत्र का पैमाना है आपका? कुंवर जपिंद्र जी, जवाब दीजिए। जिस हाई कोर्ट के आदेश का जिक्र हो रहा है, वो हाई कोर्ट का आदेश उन अवैध वस्तुओं के को वहां से हटाने के लिए था, और उसमें सरकार ने ये राहत दी थी कि 3 वर्षों तक का उसमें समय दिया था, लगभग लगभग पूरा होने जा रहा है, और वो हाईकोर्ट का आदेश था कि अतिक्रमण हर जगह से हटाया जाना चाहिए। लेकिन जो अवैध बस्तियां बस गई, जो लोग वहां रह रहे थे, तो उन्हें ये राहत देते हुए कि भाई आपको 3 वर्ष का समय दिया जाता है और जो जहां पे संभव होगा उन्हें लीगल किया जाएगा और उन्हें आधार बनाया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है आप नया अतिक्रमण शुरू हो जाए और पुराने को आधार बना के बाकी लोग ये सोचे कि जब इन्हें नहीं कुछ किया जा रहा तो हम आगे से और अतिक्रमण कर लें। यहां परेशानी आती है, और अतिक्रमण के दुष्प्रभावों से उत्तराखंड को बचाना ये बहुत आवश्यक है, और हमें लगता है। लेकिन जपिंद्र जी, उनका एतराज इस बात पर है कि आप स्थानीय विधायक को अगर नजरबंद कर देंगे, जो कि चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, अगर वो अपने क्षेत्र की जनता के बीच में या अगर वो कोई बात कह रहे हैं उनके साथ वो खड़ा होना चाहता है, तो आप उनको नजरबंद कर दे रहे हैं, इसी पर तो उनकी आपत्ति है कि ये कैसा लोकतंत्र है। बात कहने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन क्या ये आप और हम इस सत्यता को जानते हैं कि जब वहां बे विपक्ष के प्रतिनिधि पहुंचते हैं, जनप्रतिनिधि, तो वो माहौल को कहीं ना कहीं बिगाड़ने का काम करते हैं, और माहौल बिगड़े ना, सुचारू रूप से कार्रवाई चलती रहे। अतिक्रमणकारियों को आप क्यों संरक्षण देना चाहते हैं? सवाल तो ये है कि कांग्रेस के विधायक अतिक्रमणकारियों को क्यों संरक्षण देना चाहते हैं? वो ये क्यों नहीं पूछते कि आपने क्यों संरक्षण देना चाह रहे? पूछ के करा कोई कारण? हमारे विद्वान मित्र ने बहुत सरलता से स्वीकार कर लिया कि इनकी सरकार ने जो 3 वर्ष की छूट दी थी वो केवल चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए दी थी। चुनाव जीतते ही वो फिर उसी रास्ते पर चल पड़े। इनका गरीब जनता से कोई सरोकार नहीं है, कोई उनका हित देखने वाले लोग नहीं है। ये जनता हो चुके हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मैं पूरी कर लूँ बात। आप जो बोलेंगे मैं बीच में नहीं बोलूंगा। आपकी सरकार ने इसका मतलब 3 वर्ष यानी चुनाव तक के लिए उसको टाला था, चुनाव होते ही फिर आपने वो शुरू कर दिया। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपकी सरकार ने जी चलिए अंशुल शेखुन जी से लग रहा है शायद मेरा चलिए अंशुल जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। कुंवर जपिंद्र जी, देखिए उनका सिर्फ और सिर्फ कहना इतना ही है कि अगर आपने पहले अगर किसी चीज को रोका तो इसका मतलब आप चुनावों का इंतजार कर रहे थे। यहाँ हम इनसे सहमत नहीं है, क्योंकि ये 3 वर्ष पुराना प्रकरण है, और 3 वर्ष पुराने प्रकरण में जिस चीज को रोका ये उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ ये नए अतिक्रमण की बात हो रही है। जो पुरानी बस्तियां वहां कहीं बुलडोजर नहीं चला, जहां सरकार ने पूरी ईमानदारी से प्रयास करा, जिन चीजों को लीगल किया जा सकता था उन्हें लीगल करा,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नए सिरे से फिर अतिक्रमण शुरू हो जाए और कांग्रेस के विधायक उस अतिक्रमण को और अतिक्रमणकारियों को संरक्षण देना शुरू करें। ये संविधान के भी विपरीत है और प्रदेश के विकास में भी ये बहुत बड़ी बात है। अंशुल श्रीकुंज जी, यहां जो कार्रवाई हुई है वो नए अतिक्रमण को लेकर के, और अगर वहां पर कार्रवाई हो रही तो मुझे लग रहा है कि उस पर कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो इलीगल है उसके खिलाफ तो कार्रवाई करेगी सरकार। नहीं नहीं, बिल्कुल, जो जो इलीगल होगा सरकार की जिम्मेदारी है उसमें कार्रवाई करे, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी, ना जनता को विश्वास मिल गया ना जनप्रतिनिधि को विश्वास मिल गया, ऐसा कौन सा वहां आफत आ गई थी जो सरकार को इतने आनंद फानंद में निर्णय लेना पड़ा। मेरा जो सवाल था वो तो अधूरा रह गया, मैंने तो ये पूछा था कि पिछले 3 वर्षों में जब आपने निर्णय लिया था कि हम अवैध बस्तियों को नियमित करेंगे, उनको तोड़ने से आपने वो कार्रवाई रोकी थी, तो पिछले 3 वर्षों में कितनी ऐसी बस्तियों को आपने नियमित किया, कितने ऐसे मकानों को नियमित किया, कितने ऐसे गरीब लोगों को आपने विकल्प सुझाए, उनको मुहैया कराया, इसका जवाब भी तो सरकार को देना है। जपेंद्र जी, जितनी भी ऐसी बस्तियां थी, अंशुल जी का बीच में नेट कनेक्टिविटी चली गई थी तो शायद वो सुन नहीं पाए, वहां सब जगह सरकार पानी की सुविधा दे रही है, बिजली की सुविधा दे रही है, वहां पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप किया जा रहा है, वहां सड़कें बन रही हैं। तो वो जो अवैध थी, जहां पे सरकार को लगा कि अब यहाँ ये लोग बसे हुए हैं और ये सरकारी भूमि है या नगर निगम की जगह है, ये पूरे प्रदेश भर की स्थिति है, मूल रूप से ये उधम सिंह नगर जिले की आप बात कर लीजिए, नैनीताल जिले की बात कर लीजिए, हरिद्वार जिले की बात कर लीजिए, देहरादून जिले की बात कीजिए, तो सरकार ने उन्हें लीगलाइज करने का काम किया है, वहां सुविधाएं बढ़ाई हैं, उन्हें सिस्टम में लाने का काम करा है, लेकिन जो कोरोना काल में पिछले एक वर्ष में डेढ़ वर्ष में पूरी राजनीति के लिए जिस तरह से कांग्रेस के लोगों ने अतिक्रमण कराया, जो उनका राजनीति का आधार है, उसे कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। और ये हमारी अपने मीडिया के साथियों से भी ये निवेदन है कि ये चीजें जो है, इस तरह की राजनीति देश और प्रदेशों के विकास को बाधित करने का काम करती है। आप अतिक्रमणकारियों को संरक्षण देके पूरी राजनीति है तो ये संविधान के भी अनुरूप नहीं है और प्रदेश की प्रगति के भी ये विपरीत जाता है। चलिए, आप दोनों की इसी बात के साथ आज की चर्चा में यहीं समाप्त करूंगा। आप दोनों लोग का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो निर्देश दिए हैं उसका आने वाले समय में असर क्या होगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज देवभूमि लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।